देखिए, हम किंग्स वेजिटेरियन फूड ब्रेकफास्ट लंच बफे भी जहाँ 169 रुपये के हैं, तो यहाँ पर जो है जो हमारा बस स्टैंड के पास ही जेंडी इधर को आना पड़ेगा आपको, आतम पार्क की तरफ है, ये धूरी लाइन के पास बालाजी मंदिर भी साथ है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर पता चला कि एक सूक्ष्म नाम से मेडिसिन बनी है पशुओं के लिए, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर। तो चलिए, हम आपको मिल गया कुछ मिला कुछ नहीं मिला। और देखिए, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, किसान भी यहाँ आए हुए हैं। और देखिए, चलते चलते हम जहाँ पहुँच गए हैं, आज आपको दिखाते हैं कि जो जो नई नई हमारी जो खोज हो रही है उसमें हमारा जो हिंदुस्तान है आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने ये जो इस समय नई डिस्कवरी हुई है, जो नई खोज हुई है, उसके बारे ये पूरा हमें बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। मैडम जी, आप ही बताइए थोड़ा, इसका नाम वगैरह क्या है पहले बता दीजिए। ये दवाई का नाम है ऑल प्रो सोक्षम। ये क्या, किस फील्ड में काम आती है ये सर? जो आजकल पशुओं में बीमारी चल रही है लंबी स्किन डिजीज, उसके लिए रामबान है सर। अच्छा, जो आजकल पशुओं में बीमारी चल रही है उसके लिए ये बिल्कुल ही कारगर है, बहुत ही अच्छी दवाई है, रामबान है कहने का मतलब है। अच्छा, इसके डोज वगैरह कैसे देनी होती है, इसका प्राइस वगैरह क्या है? सर, ये जो इसकी MRP 525 है, इसमें 8 कैप्सूल की ये बॉटल की पैकिंग है। हमने जो एक पशु को 4-4 की डोज देनी होती है, 4 दिन, ये 2 दिन का कोर्स है, 2 बॉटल्स का कोर्स है सर, 4 दिन। पशु बीमार होने के बाद ही देने या पहले भी दे सकते हैं? सर, पहले भी दे सकते हैं, अगर इसको हम आधी डोज पशु को पहले दे दें तो ये बीमारी होगी नहीं। अच्छा, बीमारी होगी नहीं, यानी कि कहने का मतलब प्रिकॉशन है सर। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर हम इस दवाई को दे देंगे तो यानी कि बीमारी होने का खतरा नहीं रहेगा पशु को। पहले देने से तो खाली 4 कैप्सूल में ही छुटकारा हो जाएगा। आज 2 कल बस। तो देखिए, आजकल पशु भी बहुत महंगा है, 40,000-50,000 लाख तक चला जाता है, तो इसीलिए पहले लोगों को दवाई ये दे देनी चाहिए। आज तंदुरुस्त पशु को पहले दे देना चाहिए 4 कैप्सूल, 2 आज 2 कल बस। तो ये अपना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ये दवाई जो है, कहाँ की है ये? इंडिया से ही अपना है, जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर की रखकर। अच्छा, ये मंजूर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। हाँ जी। और देखिए, ये जो इसका नाम द्वारा बताइए आप क्या है? एल्प्रो सोक्षम जो है इस समय मैक्स इंटरनेशनल प्रेजेंट कर रहे हैं, जो पशुओं में एक भयानक बीमारी चली हुई है। कहते हैं पशुओं को अगर आप 4 कैप्सूल पहले ही दे देंगे तो उसको बीमारी नहीं लगेगी। ये देखिए, मैडम भी जहाँ पर आए हैं तो जहाँ पर सभी जो गरेवाल साहब भी आए हैं। और सर, आप क्या कहोगे इसके बारे में? दिस मेडिसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स टू डॉक्टर VS आलोक जी, जिन्होंने इतना अच्छा एक हमारे को गिफ्ट दिया, जो किसान भाइयों के क्या ये पूरे समाज के पूरे कौम के लिए एक गर्व की बात है, जो कि गाय जो जिनकी दूध सबको ज़रूरत है, अगर ये हम बचा लें तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है कुछ। तो आज की डेट पे पेनिसिलिन इंजेक्शन के बाद दिस इज़ द वन ऑफ द ग्रेट मेडिसिन यू कैन से। अच्छा, देखो ना, पशुधन होता गरेवाल जी, पशुधन के नाल ही देखो आप दुध बच्चे नु पिलाने, आप भी पीने हैगे हैं, तो ये बीमारी चली बड़ी भयानक है। कई जिमीदार जड़े है पशु रखे से बड़े बर्बाद हो गए ने, पशु वह 30,000-40,000 तो घट नहीं आता है, लख रुपये का पशु हो गया, तो फिर दवाई यानी कि वधिया रहूगी यानी कि। मैं जी जिहड़ा एक बेटी नहीं कहना रामबाण। हाँ जी, हाँ जी, बाकी रामबाण दवाई। हाँ, कह रही है कि रामबाण दवाई है, तो खोज अपने लुधियाने के डॉक्टर ने कितने जा। हाँ जी, लुधियाने के डॉक्टर जी बलविंदर सिंह औलख। कितने ने औलख साहब? अपने खड़े सिंह औलख। हाँ जी। अच्छा, बलविंदर सिंह जी औलख जी ने की इन्वेंशन की है, खोज की है कि यहाँ एक बार फिर छिड़ी है विज्ञान और सिस्टम में जंग, सरकार इस बार भी जीत विज्ञान की होगी। देखिए, ये सब जो है मैक्स वालों ने, ये लुधियाना से ही जो हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दवाई जो खोज की है, पशु में बहुत भयानक बीमारी चली है, और मां सा सुनाम की तरफ तो बहुत से पशु मर गए, वहाँ पर तो हाहाकार मची हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने रात दिन मेहनत करके और ये दवाई खोज की है औलख साहब ने। अच्छा, औलख साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आपने रामदीन मेहनत की और आपने ये दवाई खोजी जो आज पशु इतना धन पशुधन का जाने के कितने जाने के लोगों को नुकसान हुआ है, दूध भी कम हुआ है। अब की बात तो कहने लगे दिवाली पर आपको मिठाई भी बहुत कम मिलेगी क्योंकि पशु जाने के बहुत जाने के चले गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक है, हमें बड़ी खुशी है। खुशी है तो कितने दिन में आपने ये रिसर्च किया इसमें, किसे कैसे कैसे आपने सोचा भी इसमें कौन कौन से यानी के मिक्सचर वगैरह जो डाले हैं थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। ये इसकी खोज तो दो सन 2000 में ही हो गई थी, आज से 22 साल पहले। तो उस समय FMD का आउटब्रेक हुआ था, बाद में FMD के कई आउटब्रेक हुए और सभी में ये कारगर हुई, और बाद में ये दूसरा वायरस आया इन्फ्लुएंजा और कोरोना के ऊपर भी कारगर हुई, और अब ये लंपी का हुआ अचानक आउटब्रेक। और लंपी का तो DNA वायरस है, दूसरे वायरस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी जितने वायरस मैंने गणवाए वो सारे आ रहे नहीं, और लंपी के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और देखिए इसके ऊपर इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और देखिए बहुत ही सस्ती दवाई निकाली है इन लोगों ने, 250-400 कैप्सूल आएंगे तो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं पहले ही, तो आपका पशु जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, चलते चलते हम जहाँ आए थे हमने आपको देखा और हमने आपको बधाई देते हैं कि आप लोगों ने ये जो सस्ती दवाई है जो निकाली है और इससे सभी पशु हैं जो हमारे जिम्मेदारों के किसानों के स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।